I don't come from a film background. I come from the US. I remember being 15 years old, coming to Mumbai. मैंने कहा यार शायद मुंबई में ट्राई कर लेते एक बार हीरो बनना है. तो वो एक फोटोग्राफर ने किसी न्यूज़पेपर में एड डाला. ही सेड 10,000 रुपीज़ आई विल गेट यू ऑडिशंस. तो हमने 10,000 दे दी. पता नहीं था कि बहुत ही बेकार किस्म के ऑडिशंस होंगे. बट देयर वाज दिस अदर पर्सन फ्रॉम स्टारडस्ट हु टुक अ लाइकिंग टू मी एंड ही सेंट मी ऑन अ कपल ऑफ ऑडिशन. सो द फर्स्ट ऑडिशन आई डिड दिस हिंदी सीन ऑफ शाहरुख सर फ्रॉम परदेस. एंड आई रिमेंबर द लेडी देयर शी सेड सर आप कहाँ गए. मैंने कहा आई हैव जस्ट कम फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को. तो उन्होंने कहा हाँ तभी आपकी हिंदी में ना वो एक अमेरिकन एक्सेंट है. अब देख लो थोड़ा दैनिक जागरण जैसे पत्रिका पढ़ लो और प्रैक्टिस करो. मैंने कहा ठीक है. सो नेक्स्ट डे आई वेंट टू अनदर ऑडिशन एंड द वे आई वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश द पर्सन सेड सर वेयर यू फ्रॉम. इस बार मैंने कहा यार आप तो अमेरिका नहीं बोल सकते. हैदराबाद से हूँ. हाँ तभी आपके एक्सेंट ना साउथ की है. तो वो एक ही दिन में मेरा एक्सेंट अमेरिका का भी था और साउथ का भी था. देन आई एंड अप गोइंग बैक फिनिशिंग अप माई स्टडीज सेविंग अ बंच ऑफ मनी मैक्सिंग आउट माई क्रेडिट कार्ड एंड आई मेड अ स्मॉल फिल्म एंड आई मेड इट इन तेलुगु बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस इन मुंबई. एंड आई एंडेड अप गोइंग टू हैदराबाद विद इट. नाउ मैं इतना आई वॉज सो क्लूलेस कि मुझे ये भी नहीं पता था कि इंडिया में अगर घर रेंट करना हो आप ऑनलाइन यूएस से फोन करके नहीं कर सकते. तो मैं मैजिक ब्रिक्स पे गया एक घर बुक किया अपार्टमेंट फॉर रेंट. एंड द डे बिफोर आई टुक ऑफ आई कॉल्ड आई सेड इज एवरीथिंग रेडी इन द अपार्टमेंट. दे सेड यस. व्हेन आई लैंडेड इन हैदराबाद आई डिडंट नो हाउ टू टेक अ टैक्सी. आई डिडंट नो हाउ टू क्रॉस द रोड. फिर मैं वो गया उस घर तक. देर वॉज नो डोर्स देर वॉज नो विंडोज. सो आई आस्क द लैंडलॉर्ड यार ये घर का अभी अभी बन रहा है दिस ओनली वॉल्स. उन्होंने कहा नो नो प्रॉब्लम सर सुबह तक दरवाजा लग जाएगा डोंट वरी. एक काम करो आप जो सूटकेस है ना मैं आपको चेन देता हूँ पुट इट अराउंड योर हैंड एंड स्लीप विद इट सो दैट नोबडी स्टील्स योर सूटकेस इन द नाइट. सो दैट वॉज माई फर्स्ट नाइट इन इंडिया. आई वॉज एज क्लूलेस एज दे कम. एंड फॉर मी टू बी एन आउटसाइडर With no guidance, no support, no friends, to sitting in front of you today, as somebody who's made a film that's been released from Kashmir to Kanyakumari, it's the honor of my life. Thank you very much. मुझे ये खबर आया कि यार द हिंदी वर्जन हैज ओपन वेरी सॉफ्टली. न्यू फेस है लोग जानते नहीं हैं आपको. मैंने कहा पर हाँ मेरे दो डबिंग फिल्म्स आ चुके हैं एक एक का 150 मिलियन व्यूज हैं. उन्होंने कहा हाँ फिर भी लोग हिंदी इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट. मैंने कहा सही है सही है. सो द साउथ इंडियन कलेक्शन जस्ट केप्ट ऑन ग्रोइंग केप्ट ऑन डूइंग वेल एंड हिंदी द वीकेंड स्लोली 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 इट्स ग्रोइंग एंड पीपल आर लाइक हाँ ठीक है यार वन वीकेंड में खत्म दिस इज इट. हिंदी मार्केट ऐसे ही होता है. इट्स वेरी टफ बिजनेस. लोग मुझे कंसोल कर रहे थे. एक तरफ से इट वॉज अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग कि मेरे जो तेलुगु दोस्त हैं मेरे जो साउथ इंडियन दोस्त हैं केरला से फोन कर रहे हैं आंध्रा से फोन कर रहे हैं हैदराबाद से फोन कर रहे हैं बोल रहे हैं यार कंग्रेचुलेशन इट्स द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एवर. क्या बात है इट्स अ माइंड ब्लोइंग. ये यहाँ बोल रहे हैं और यहाँ से डोंट वरी शेष यू विल कीप ऑन फाइटिंग. मुझे यहाँ पे इंकरेजिंग कॉल्स इंक्लूडिंग फ्रॉम मे ऑल. तो मैं सोचने लगा यार वॉट इज द ओरिजिनल रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस फिल्म. Do I want to get caught up in the numbers game? Do I want to get caught up in the numbers race? And I realized that the original reason for making this film was because I, as a fan of Major Sandeep Unnikrishnan, I wanted his legacy to be seen from Kashmir to Kanyakumari. As of today, it'll be a little under 3 million people who have seen this film across India. 3 million. ये फॉर एनी न्यू गाय इट्स अ फिनोमिनल अचीवमेंट. लेकिन एक बात बोलूं फॉर मी
Major Sandeep's life should have touched 1.4 billion people. So I look at, अरे यार चुप रहो ना वहां, उनको बोलो ना वहां पे. So I look at this as the beginning. I'll tell you why I look at this as the beginning. Because for me, Major is not a film, it's an emotion. I was never intent on just saying, chalo yaar. See, I'm one of the hidden producers on this film. My name is not there as producer on the poster, but I'm one of the hidden producers on this film. And let me tell you, my wallet is very happy at this moment because of my collections, especially in South India. But my intention was, uncle and auntie, I call her Amma now. Tumhe sochne laga, what has happened with them? Where is my validation from them? That is my report card. 2 days before the release, on June 1st, in Bangalore, we did the premiere. Amma called me and she said, 23 years ago, I wore this sari for Major Sandeep's graduation. Today, I'm tying this sari for you. And she showed me the watch he gave her. And she came to watch the film. And I kid you not, the moment I saw her, I hugged her for 4 minutes. Aise bas pura Karnataka ka media khada hai, sab photo le rahe, thap 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 thap. Mujhe pata bhi nahi chal raha tha ki media ka photos aa rahe hain, ye wo, but main bas unko hug karta gaya. And then I was holding their hand watching this film. Just think about how surreal it must be. Wo dekh rahe hain Major Sandeep ko, par wo Major Sandeep nahi hai, wo stage hai. And he's this kid holding her hand, sitting beside her, while she's looking at the film inspired by the life of her son who's no longer there. What a surreal feeling. After the film, they gave me a kiss. I held Angal's hands and sat on the floor. And that moment, I knew we won. That was my report card. The reason I called this press conference today was, and genuinely I did, because main to Mehul ko I was like bugging him, Parag ji ko I was bugging him, Purvi ko I was bugging her, see, I want this press conference, and it's because I wanted to say, for me, this journey has only started. As of this morning, this film has been holding amazingly well in the Hindi version on weekdays. We're going to be adding some shows and showtimes in Delhi. More and more people are discovering it.